नमस्ते बच्चों, आज थोड़ी प्यार के बारे में बात करेंगे। एक निशा नाम की लड़की थी जो कनाडा में रहती थी, टोरंटो में। उसके पिताजी की ट्रांसफ़र हुई, तबादला हुआ उसका, और वो माता पिता के साथ उनको इंडिया में, भारत में, दिल्ली में आना पड़ा। तो दिल्ली में वो रहने लगी। अब आप लोगों को तो मालूम है कि भारत की परिस्थिति क्या है और कनाडा की टोरंटो में परिस्थिति क्या है। तो टोरंटो में उसने कभी गरीब बच्चों को नहीं देखा था। दिल्ली में आकर के फुटपाथ पे रहते हुए बहुत सारे बच्चे उसने देखे जिनको खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए उनके अच्छे कपड़े नहीं थे, जहाँ रहते थे वो भी खाबड़ खुबड़ एरिया विस्तार था, उसी पे चलना, उसी पे सोना, रहने के लिए घर नहीं, नहाने के लिए जगह नहीं। तो ऐसे सब लोग वहाँ रहते हैं बच्चों के साथ, माने बच्चे भी रहते हैं वहाँ। तो ये सारी चीज़ें उसको देख करके उसके मन में विचार आया कि ये कैसी हालत है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। और फिर उसने सोचा कि मेरे लिए तो देखो कितना बड़ा एक आलीशान मकान है मेरे पास, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, होटल्स में मैं जाती हूँ, घर पे भी अच्छा खाना मिलता है, बाद में क्या कपड़े पहनने हैं वो भी अच्छे हैं मेरे पास है, और इन बच्चों के पास कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से उसके लिए क्या कहते हैं, उसके एक प्रकार की दया आई प्यार से। तो वो दया आई तो वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसने बात की। अब वो स्कूल भी इतनी बड़ी थी कि जिसके अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए भी कितना सारा समय लगता था, और एसी स्कूल, सब बहुत अच्छी तरीके से सब रखा हुआ, और बड़े बड़े 2-3 स्विमिंग पूल वहाँ थे, तरण कुंड नहाने के लिए, तैरने के लिए। तो ये ऐसी सारी चीज़ें थी। तो प्रिंसिपल साहब को इसकी जो चीज़ थी वो अच्छी लगी। इसने एक सूचन ऐसा किया कि क्यों ना हम इस स्कूल में रविवार के दिन ये गरीब बच्चों को अंदर बुलाएं और उनको खेलने दें यहाँ पे। तो प्रिंसिपल साहब को ये अच्छा लगा, तो उन्होंने बच्चों को ही कहा कि आप वॉलंटियर करेंगे, आप स्वयंसेवक बनेंगे उन बच्चों को के साथ खेलने के लिए। तो स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने हाँ कहा, और बहुत सारे बच्चे वहाँ वॉलंटियरशिप करने लगे। और हर संडे, हर रविवार स्कूल के बाहर से जो गरीब फुटपाथ पे रहने वाले, झुपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे थे, वो सबको अंदर वो बुलाते थे, उनको खेलने के लिए जगह देते थे। फिर प्रिंसिपल साहब ने और एक भी किया उनकी ओर से कि वो सबको चॉकलेट्स या तो मिठाई जैसा कुछ खाने के लिए देते थे, और या तो नाश्ता कुछ थोड़ा करवाते थे, और कभी कभी उनको खेलने के लिए कुछ खिलौने भी उनको भेंट में दे देते थे। तो ऐसा करके उनको सबको ये दिखाते थे। तो इस बच्ची ने उसके पत्र के अंदर ये लिखा है, 2 साल के बाद तो वो वापस टोरंटो चली गई, फिर से तबादला हो गया तो कनाडा में। तो उसने उसके एक पत्र में ये लिखा है उसकी फ्रेंड को कि मुझे इतना अच्छा लगता था वहाँ देख करके सबको, कि ये सारे गरीब बच्चे अंदर आ रहे हैं और खिल खिला करके हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनके साथ अपने स्वयंसेवक बंधु या तो बहन जो है वो उनके साथ हाथ पकड़ के उनके खड़ी है, उनको खिला रही है, कितना अच्छा लगता है ना प्यार। समाज के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते, जिनको जो नहीं मिलता उनके लिए हम प्यार बांटें, उनकी सहायता करने की कोशिश करें, तो एक अच्छे नए समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार की भावना आ जाती है तो कितना अच्छा लगेगा ना। धन्यवाद।